और उत्तर प्रदेश में मतदान के पहले चरण से पहले लालू यादव की अपील सामने आई है। बिहार के पटना में बैठ करके लालू प्रसाद यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता से भाजपा के खिलाफ मतदान करने की अपील कर दी है। लालू प्रसाद यादव बोले हैं कि भाजपा के खिलाफ मतदान करे जनता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों से भाजपा के खिलाफ वोट डालने की अपील की है। लालू यादव पत्रकारों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार रही है, इसलिए बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं लालू प्रसाद यादव। सुनिए लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो महाभारत छिड़ा है और जो व्याकुल और बुरी तरह से परेशान है भाजपा, इस बात का साफ संकेत है कि भाजपा का विदाई हो रहा है। जाट बहुल इलाका उत्तर प्रदेश और हरियाणा है और आज उनके दरवाजा पर जा रहे हैं। किस तरह से जाटों की पिटाई अपमानित किया गया, आतंकवादी कहा गया, जेल में लोग भेजे गए, घसीटे गए, तो ये बात तो भूले नहीं है। जाट कम्युनिटी हरियाणा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा असर रखता सरकार बना रहे और भाजपा सरकार बिल्कुल पिछले वर्गों का आरक्षण समाप्त कर दिया है और धीरे धीरे समाप्त करते जा रहा है। ये देश 70 साल पहले अंग्रेज ब्रिटिश चला गया, सरकार ब्रिटिश आ गया थे, हम सब बारे ने ब्रिटिश को भगाया था और वो समाप्त हुआ। लेकिन अब 70 साल के बाद नया अंग्रेज ये सब आ गया है भाजपा के रूप में, जो दंगा फसाद करना चाहता लेकिन देश से माफ नहीं करे। तो हम अपील करते हैं वोटरों से, सभी लोगों से, खास करके जाट बिरादरी से और वहाँ पिछड़े वर्गों के लोग हैं, पूरी तरह से भाजपा को पराजित करें। कल से चुनाव का शुभारंभ हो रहा है। ये हिजाब को लेकर के इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक में एक लड़की जो है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो महाभारत छिड़ा है और जो व्याकुल और बुरी तरह से परेशान है भाजपा, इस बात का साफ संकेत है कि भाजपा का विदाई हो रहा है। जाट बहुल इलाका उत्तर प्रदेश और हरियाणा है और आज उनके दरवाजा पर जा रहे हैं। किस तरह से जाटों की पिटाई अपमानित किया गया, आतंकवादी कहा गया, जेल में लोग भेजे गए, घसीटे गए, तो ये बात तो भूले नहीं है। जाट कम्युनिटी हरियाणा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा असर रखता सरकार बना रहे और भाजपा सरकार बिल्कुल पिछले वर्गों का आरक्षण समाप्त कर दिया।